जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला, MNT न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की विशेष खबर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और संविधान के रात दिन नारे लगाने वाले RSS की कथनी और करनी में अंतर नजर आता है, यह कोई नई बात नहीं है। हाल ही में पंजाब के फगवाड़ा में संविधान चौक नामांतर को लेकर हुए विरोध ने एक बार और सिद्ध किया है। 13 अप्रैल को संविधान चौक में आंदोलन कर रहे मूल निवासी बहुजन लोगों पर भाजपा और RSS के कार्यकर्ताओं ने गोलियां चलाकर 2 लोगों को भुना, जिसमें एक की मौत हुई, जिसके चलते BSOI संगठन के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि इस मामले में दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। पंजाब के फगवाड़ा में संविधान चौक पर हुई गोलीबारी के विरोध में मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए बहुजन संघर्ष ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलनकर्ताओं का कहना है कि वह 5 दिन से स्ट्राइक पर है तथा भूख हड़ताल पर भी है, लेकिन प्रशासन इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस आंदोलन के दौरान सिख मुस्लिम कम्युनिटी, धार्मिक संगठन तथा संत समाज के डेरे और करीब पंथी साथ ही महाशा भाईचारे के लोग एकत्रित आकर उनके द्वारा आंदोलन की रूपरेखा की गई है और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है तो आगे उग्र आंदोलन के साथ साथ चलो गांव की ओर इस प्रोग्राम के जरिए सभी जातियों को इकट्ठा कर ब्राह्मणियों द्वारा दी गई जाति का विरोध किया जाएगा और उन्हें जवाब दिया जाएगा कि जाति हमारी मूल पहचान नहीं है, बल्कि हमारा मूल ही इस देश की पहचान है और हम गर्व से कहेंगे कि हम बहुजन समाज के लोग हैं और सभी बहुजन वर्ग के लोगों को एकत्रित कर जल्द ही बहुजन संघर्ष ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा एक ऐसी मूवमेंट स्थापित की जाएगी जो संगठन निरोल नॉन क्रिटिकल रहकर काम करे और समाज के जरिए बड़े आंदोलन को समर्थन दे, ऐसी जानकारी आंदोलनकर्ताओं द्वारा दी गई। इन आंदोलनकर्ताओं की मांगों को समर्थन करने तथा उनसे बातचीत करने के लिए बामसिप की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सुरेश द्रविड़ और राजेंद्र पाल ने धरना स्थल पर भेंट दी। इस दौरान सुरेश द्रविड़ ने कहा कि गोली के शिकार लोगों के परिवार को पंजाब सरकार 50-50 लाख का मुआवजा दे और परिवार के सदस्य को नौकरी दे। उन्होंने बामसिप के बारे में बताते हुए जानकारी दी कि बामसिप ने सामाजिक बदलाव के लिए जमीन तैयार की है, जिसके बढ़ रहे प्रचार प्रसार से धीरे धीरे बहुत सारे राजनीतिक बदलाव देश में हो रहे हैं। इन बदलाव से भविष्य में देश में व्यवस्था परिवर्तन होगा। देश भर में बहुजनों की ओर से किसी न किसी कारणवश आंदोलन किए जा रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय संविधान और संसदीय प्रणाली को मनुवादियों से खतरा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिस पर गंभीरता से विचार करना हमारा दायित्व है।